Hi, good morning students. I am Nirbhay Yadav. Today lecture on microorganism. Friend and foe. What is microorganism? Micro means hota hai beta chota chota. Organism means hota hai micro means hota hai bahut chote, bahut sukshma. ठीक है. और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव जंतु. जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें. यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव्स. बेटा हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अपने आसपास जो देखते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, अदर लिविंग देखते हैं, ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जो हमारे आसपास नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं और कुछ लोग को हम नहीं देख सकते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन चीजों को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल you might have observed that during the rainy season moist bed gets spoiled and its surface get covered with grasses, white patches. Observe these patches through a magnifying glasses. You will be seen thinly black around a structure. Do you know that these structure are and where do this दीज कम्स फ्रॉम. बेटा हम जब बारिश की सीजन होती है तो कुछ ब्रेड्स होते हैं, उन्हें अगर मैं कहीं खुले में छोड़ दूं तो उस पर हम लोग देखते हैं कि एक लेयर बन जाती है. क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है. और जो लेयर सी बन जाती है, ठीक है, जो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं. क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं. ये कहां से आए, कहां से एक्सप्लॉइट हुए, कहां से क्या हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं. यू सी थिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. आप देखते हैं कि काले काले राउंडेड स्ट्रक्चर हो गए. ये अब आए कहां से, इसके बारे में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में ये सोचते हैं ये आए कहां से. दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वॉटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ थिनी ऑर्गेनिज्म थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द categories of microbes. These microorganisms are microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these such as the fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microwave. That is why these are called microorganisms or microbes. बेटा हम अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं कि जो वॉटर होती है, सॉइल होती है, उसमें बहुत से छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं, ठीक, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. इन कैटेगरीज क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, जो जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. दीज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. और ये क्या करते हैं, ये फंगस होती, फंगस देखी आपने, एक फफूंदी टाइप की होती है. ये ब्रेड के ऊपर क्या कर जाती है, ब्रेड में लग जाती है, जो हमें ग्रोस करना शुरू कर देती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती. कैन बी सीन विद अ माइक्रोफाइंग ग्लासेस. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोजिम्स और माइक्रोब्स. माइक्रोजिम आर क्लासिफाइड इन टू फोर मेजर ग्रुप्स. दीज आर ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड द एलेगा. जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, इनको हम लोगों ने चार कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया है. नंबर एक बैक्टीरिया, फंगस, फंगी, प्रोटोजोआ और एलेजा. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोब्स आर सॉन इन द वायरस. क्या होता है बेटा, वायरस. वायरस क्या होता है,
वायरस आर ऑल्सो माइक्रो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा देखो, वायरस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये हम जनरली साधारण नहीं देख सकते। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में दिखाई तो नहीं देता है, क्या एक वायरस ही तो है। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से देख सकते, माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी हेल्प से हम देख सकते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म्स विच मे बी ए बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर सॉ। देखो कुछ तो वायरस हमें दिखाई देते हैं, कुछ वायरस हमें दिखाई नहीं देते हैं, कुछ तो वायरस हमें दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी बताया ना, कोरोना का बैक्टीरिया है वो हमें दिखाई नहीं देता है। प्लांट आर एनिमल, सम ऑफ द वायरस आर सॉ। कहाँ फिगर में दिखाए? 2.5 में देखिए, 2.5 कहाँ फिगर है आपका? 2.5, ये रहा 2.5। देखिए ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ अभी आप देख रहे हैं। ये कोविड जो चल रहा है वो एक पेटोटो शेप में है, उसके ऊपर बड़े बड़े से क्या निकले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे बाहर की तरफ हेयर से निकले हुए हो, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। स्पेरस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। डिजीज लाइक डेंसिटिस आर मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। यू हैव, देखिए बेटा ये जो अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो फ्लू है आपका, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, कोल्ड है, ये क्या एक वायरस है। लेकिन डिसीज की बात की जाए, जो ये प्रोटोजोआ की बात की जाए, तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और उसका टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस ये क्या है? ये बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो देखो आपको मैंने अभी दिखाया था ये डायग्राम, देखो ये क्या है, ये वायरस बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये क्या है, एलिगा है, ये प्रोटोजोआ है, और ये क्या है, फंगी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये देखो ये वायरस का है, ऐसा ही होता है वायरस का, मैंने आपको बताया था अभी कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना का इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। देखिए आप स्ट्रक्चर इसी टाइप का लगभग लगभग मिलता जुआ है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, वेयर डू माइक्रोजिम लिव्स, माइक्रोजिम कहाँ रहते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। माइक्रोज में भी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एलगा एंड प्रोटोजोआ आर म्यूचुअली सच एज मैनी एले एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल रेंजेस फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मॉर्सरी लैंड। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन। सम ऑफ माइक्रोजम्स ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म्स वाइल अदर ऑफ एक्सट्रीमली। बेटा ये जो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। ये बेटा मोस्टली ह्यूमन बॉडीज पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, ये कहीं इनका ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर रहते हों, ये हमारे आसपास ही रहते हैं। और ये स्प्रिंग टाइप में रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, मार्शली लैंड्स में भी रहते हैं, और दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ह्यूमन्स की बॉडी पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक टुमारो आई टीच यू माइक्रोजिम एंड अस, हम और हमारे माइक्रोजिम्स क्या होते हैं इसके